आइए मैं आपको ओरिजिनल अपनी कविता सुनाता हूँ जी। पत्नी ये बोली क्या तो भी लाए उजाड़ के। अच्छा, क्या तो भी लाए उजाड़ के। पत्नी ये बोली क्या तो भी लाए उजाड़ के, छतरी बना के लाए हो लुंगी को फाड़। और यारों ने ले लिया मजा सब छेड़ छाड़ के। हाय हाय, यारों ने ले लिया मजा सब छेड़ छाड़ के। यारों ने ले लिया मजा सब छेड़ छाड़ के, लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया बिगाड़ के। लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया, और होते हैं काम चोरों के होठों पे एक दुआ। होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ। सुनो संजय झाला। होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ, 56 करोड़ भेज दे छप्पर को फाड़ के। और उसको ही चुन के लाई ये जनता तो बात। अरे वाह सुंदर, क्या कहने। उसको ही चुन के लाए ये जनता तो बात है, महंगाई का जो फेंक दे खंबा उखाड़ के। क्या बात है सुंदर। मैं आपको कुछ शेर सुनाऊंगा, शेर ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे? उनसे नजरें आपसे नहीं, मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इधर उधर देखना होगा, इसलिए आप फोकट में खुश ना हो। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या लिखी, हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या जूतियां सर पर पड़ी, कहने पड़े 24 से। और मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर, मैंने भी झट मेकअप पे उसके लिख दिए 40 शेर। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके ये कह के दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों, मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19। अरे बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी सुनी जी। शायरी हमारे यहाँ कैसी हो रही है, कुछ उसके पर भी शेर सुन लीजिए। जी जी उस्ताद। आज उसमें का कवि तो नहीं है, जैसा मतला है। चीखो पुकार और धुआं धार शायरी। वाह, कई होते हैं। चीखो पुकार और धुआं धार शायरी, धुआं धार शायरी, बिकती है कितनी धूम से बंगार शायरी, है कितनी धूम से बंगार शायरी। कश्ती कभी तूफान कभी मजधार शायरी। क्या बात है। कश्ती कभी तूफान कभी मजधार शायरी, मजधार शायरी, इस पार शायरी कभी उस पार शायरी। पार शायरी कभी उस पार शायरी। वाह 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 वाह। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम। ठहरने का इंतजाम मैं भी सुना के आ गया बीमार शायरी। वाह वाह वाह। सुना के आ
शायरी। बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। अच्छा, बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। ये कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी। कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी। बोले भंगार शायरी। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी। अच्छा, हवलदार शायरी बढ़िया है। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी। हवलदार शायरी होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी। होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी। तड़ी पार शायरी जिसको लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से। जिसको लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से। आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी। आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी। आई एम द शायरी एंड यू आर। सुंदर मालेगावे जिन्होंने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पर जग के रचयिता ने इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है जो आप है हम है, और ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस शायरी को, इस शेर को उदास न होने दें। कह रहे थे ऐसी गजल लिखी जिसमें 19 25 26 कितने शेर दे मारे। तब मुझे प्रदीप चौबे के दो शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि ये तो शायर का अंधेर, ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 15 शेर। मेरा नंबर आने तक सुनने वाले सारे ढेर। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन और कौन। भाई मैं जानता हूँ पहले एपिसोड में जो छुपे रस्तम के तौर पे आई थी। और नखरे भाई साहब ये नहीं कि महिलाएं करती, आदमी भी नखरे कई बार कर लेता हूँ। मेरे को याद है वो गाना गा रहा था, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अच्छा, आज के बाद। बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में ही सेटिंग हो गई। और मेरा तो जब रिश्ता हुआ शैलेश जी, मैं तो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ जी। वैसे तो होते बड़े मुश्किल से, तब देखने चला गया 150 किलो 250 किलो की होगी कम से कम भी। अच्छा, वहीं से एक छंद निकला मेरा, अरुण भाई समर्पित करता हूँ, कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया ऐसी विकराल थी। आँख ये भटक गई, सूरत लटक गई, सांस भी अटक गई, नारी क्या भूचाल। पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, तुरत निपट जाए साक्षात काल थी। देखते ही नट गया मामला, सुलट गया संकट, कट गया जी का जंजाल थी। भाई बहुत अच्छे। और एक फिल्म आई थी उसके अंदर एक डायलॉग था, मेरे को तो 11 मुल्कों की